सिंपली जाना है ग्रीन एरिया के बीच में ले जाकर आपको इसको छोड़ना थी, ऑटोमेटिकली इसको जो है अटैच कर लेगा। और आप सब अगर आप चाहते हैं कि ये डी अटैच हो तो आपको सिंपली क्या करना है, यूनिट पे क्लिक करना है, इस पे जाना है, इस पे डी अटैच का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं डी अटैच पर अगर आप क्लिक करते हैं तो डी अटैच हो जाता है। तो हमें सिंपली वापस को अटैच करना है, सिंपली हम वापस बस इसको अटैच कर देंगे और जो हमारा स्टिक मैन जो है एक किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है। तो जैसे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट थोड़ी अलग रहेगी लेकिन जिसकी जो बैक पोजीशन है वो इसके हाथ से लॉक रहेगी। जैसे आपको इसकी जो अटैच पोजीशन है उसको हिलाने के लिए आपको सामने वाले ऑब्जेक्ट की भी उस पोजीशन को हिलाना पड़ेगा, बाकी बाकी पोजीशन ये ऑटोमेटिकली आप अपने अनुसार हिला सकते हैं। जैसे किसी बेड को मारना है वगैरह जो भी है तो आप सिंपली कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे किसी एक ऑब्जेक्ट को रखूँ जिस पे ये माना कि मार रहा है, तो और ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि एक बास्केटबॉल ले लेते हैं, हम इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं और ये हमारी बास्केटबॉल यहाँ पे पड़ी है और ये हमारा जो स्टिक मैन है अब इसे कुछ इस तरीके से मारने की कोशिश करेगा। मैं एकदम पोजिशन थोड़ा ध्यान में नहीं रह पाता हूँ इससे, ठीक है। और यहाँ पे इस बास्केटबॉल को मारने के लिए इसने सिंपली ऐसे हाथ पे हम इसको लॉक कर देते हैं या फिर हम इसको इस तरीके से भी हाथ में पकड़ा हुआ है ये इस तरीके से। अब हम अगले फ्रेम में जाएंगे, कुछ इस तरीके से इसको किया, ये अपनी पोजीशन लेने के लिए यहाँ पे इस तरीके से इसने अपने लेग्स को मूव किया और यहाँ पे इसका हाथ को लेके गया कुछ इस तरीके से, ये बास्केटबॉल के डंडों को इस तरीके से कुछ लेके गया और इसने अपने शरीर को थोड़ा